हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और नाउन चैप्टर के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन एनडीए में आया हो, सीडीएस में आया हो, सीजीएल मेंस में आया हो, सीपीएम आया हुआ, सीएचएसएल में आया हुआ हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो नाउन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। प्लेलिस्ट में पूरे बेसिक ग्रामर के नाम से अलग से बॉक्स बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको जो बेसिक ग्रामर के क्लासेस हैं उसमें नाउन के पूरे क्लासेस हैं, 17-18 क्लासेस हैं नाउन के, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, मैंने पूरे एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। पहले आप बेसिक उन चीज़ों को देख लें, पढ़ लें, समझ लें। जब आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए, नाउन सारे डॉट्स क्लियर हो जाए, और कोई डॉट्स हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, मैंने उसमें अपना नंबर भी दे रखा और नंबर आपको नीचे भी दिख रहा होगा। कोई चीज़ अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसे समझ लें, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करें, या क्वेश्चन में जब कोई भी बात आएगी तो हर एक क्वेश्चन को मैं चैप्टर से रिलेट कर दूंगा, किस चैप्टर मैंने ये बता रखा है, तो फिर आपको वो क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं या जिनको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन में, वो जाकर प्लेलिस्ट में हमारे नाउन के सारे क्लास को पहले देख लें, अरेंज किया हुआ है। और जब नाउन के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर। तो थर्ड टेस्ट में नाउन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी सब्जेक्ट का नाम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इसमें कोई एरर नहीं है, मैथमेटिक्स है और इसके बाद इज लिखा है इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कि मैथमेटिक्स वास्तव में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, नो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। तो जब मैंने कॉमन नाउन करवाया था तो कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉमन नाउन जो काउंटेबल है, जैसे वो एक से अधिक होता है, मोर देन वन होता है, तो उसका प्लेयर होना जरूरी है। वन है तो ए लगना जरूरी है और मोर देन वन है तो उसमें एस लगना जरूरी है। तो वन ऑफ जैसे हमने कहा है तो इसका मतलब प्लेयर वंस मोर देन वन होना चाहिए था। तो मोर देन वन जब होना चाहिए था, इसमें क्या लिखा है, प्लेयर लिखा है, तो इसमें क्या ऐड होना चाहिए था, प्लेयर्स, क्या ऐड होना चाहिए था, प्लेयर्स, जबकि इसमें ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, प्लेयर लिखा था। तो यहां पर प्लेयर नहीं, क्या होना चाहिए, प्लेयर्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकर ऑफ वेटलैंड। तो मेरे पिताजी के पास 50 एकड़, फिर ये कॉमन नाउन का क्वेश्चन है, जैसे ग्रैंडफादर हमने कहा तो ग्रैंडफादर के पास 50 एकड़, जहां हमने 50 कहा तो मोर देन वन हुआ, तो मोर देन वन जब है तो एकर कैसे होगा, तो जैसे मोर देन वन हुआ और वो काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, उसको हम गिन सकते हैं, तो उसे प्लूरल में होना चाहिए, कॉमन नाउन में, डिटेल में बताया थी ये बात। तो आपको यहाँ पर एकर की जगह पर क्या लिखना चाहिए था, एकर्स, क्या लिखना चाहिए था, एकर्स, यानी हमारा एरर किस में है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी मोर वुड हैव डाइड, कि कई लोग मर चुके होते, मर गए होते, इफ दे हैडन रिसीव्ड, अगर उन्हें नहीं मिला होता द टाइमली हेल्पिंग। अब जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स का यूज होता है वो बहुत गलत होता है वर्ब से, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है तो जहाँ एग्जामिनेशन होना चाहिए वह एग्जामिन लिख देता है, जहाँ डिस्कशन होना चाहिए वह डिस्कस लिख देता था, बताया था। तो यहाँ भी वही बात है कि टाइमली हेल्प, मदद होना चाहिए, मदद, तो मदद जो वर्ड है, हेल्प, वो तो नाउन है, वर्ब की तरह भी हो सकता है। तो यहाँ जो हमें चाहिए था वो चाहिए था नाउन का फॉर्म, कि समय पर मदद, मदद, मदद करना की जरूरत नहीं है, समय पर मदद, तो मदद की इंग्लिश क्या है, हेल्प है, तो हेल्पिंग लिखने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ क्या होना चाहिए था, हेल्प होना चाहिए था, लिख दिया हेल्पिंग, तो सी में गलती है, कि टाइमली कई लोग मर गए होते अगर उन्हें समय पर हेल्प नहीं मिला होता, रिलीफ टीम, रिलीफ वर्ड वैसे पूछा था, रिलीफ का मतलब क्या होता है, राहत पहुंचाने वाला टीम, राहत पहुंचाने वाला दस्ता, रिलीफ। तो हेल्पिंग की जगह क्या होना चाहिए, हेल्प, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बताया था किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर फेल्योर टू इंस्पेक्ट अवर फैक्ट्रीज, कि वो जो असफल हुए हमारे फैक्ट्रीज को देखने में, मतलब वो हमारे फैक्ट्रीज को देखने नहीं आए, तो ये क्लियर इंडिकेशन है, ये बिल्कुल साफ साफ संकेत है, इंडिकेशन का मतलब संकेत, दैट अवर लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड, इसके हमारा लाइसेंस रिन्यूड होगा। इसमें एक चीज गौर करने की है, क्या अभी तक जितने भी ऑप्शन है उसमें डी तक थे, इसमें ऑप्शन क्या है, ई, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो नाउन का है वो बैंक पीओ का है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि कई लोग ये कहते हैं कि बैंक पीओ का क्वेश्चन जो होता है उसमें इस तरह से नाउन प्रोनाउन का क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं उन्हीं को समझाने के लिए कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कोई भी तो उसमें ग्रामर के टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं,
अब ये साफ साफ देखिए, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले एसएससी क्वेश्चन में करवा रखा है, एसएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा है, सेम ये बैंक में पूछ रहा है, आप वैसा ही ई ऑप्शन तक गया। तो बस क्वेश्चन की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो गई, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एरर होगा तो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच में ही एरर होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता रखा है। तो जब एरर किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही होना है तो वो ग्रामर से बाहर कैसे जाएगा? तो कोई अगर ये कहता है कि बैंक पीओ क्वेश्चन अजीब तरह के आते हैं या ग्रामर से बाहर के आते हैं, पता नहीं किस तरह की बात करते हैं, उसमें नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये समझ से बाहर की बात है। सारे क्वेश्चंस ग्रामर के किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा होता है, क्वेश्चन की लंबाई ज़्यादा होती है, ये ठीक है। अब इसमें क्या गलती है कि दे आर फेल्योर टू इंस्पेक्ट अवर फैक्ट्रीज, कि हमारे फैक्ट्रीज को वो इंस्पेक्ट करने के लिए नहीं आए, उसमें सफर इज अ क्लियर। अब देखिए एक तरफ लिख रहा है अ, बी पार्ट में अ, और फिर ये अ किसके लिए, इंडिकेशंस के लिए आया, और इंडिकेशंस में क्या लगा है एस। अब कॉमन नाउन जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कोई नाउन तो एक ही चीज होगा, या तो वन होगा या मोर देन वन होगा। वन होगा तो उसमें ए लगाना जरूरी है, और अगर मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा तो फिर उसमें क्या करना है, उसमें एस लगाना जरूरी है। अगर एक ही नाउन में हम ए भी लगा दें और एक ही नाउन में हम एस भी लगा दें तो ये पॉसिबल ठीक नहीं है। एक ही नाउन में हम ए भी लगा रहे हैं और उसी नाउन में हम एस भी लगा रहे हैं तो ये संभव नहीं है। नाउन या तो वन होगा या मोर देन वन होगा, तो ये वन भी है मोर देन वन भी है, तो ये बात इसलिए ये गलत है। तो एक पहले पार्ट में लिखा हुआ है इसलिए आगे जो है एस नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि ए को ही हटा दे, ए में कोई गलती नहीं है, ए सही सही लिखा है, तो ए जिस नाउन में लग गया उस नाउन के साथ एस नहीं लगना चाहिए था, इसलिए गलती किस में करके आना है, इंडिकेशंस का एस हटाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बैंक पीओ क्वेश्चन, इसमें देखिए ई ऑप्शन है, तो द मैनेजर ऑफ द सिटी ब्रांच, कि सिटी ब्रांच का जो मैनेजर है कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली, इसको संभाल नहीं, हैंडल का मतलब क्या, संभालना, संभाल नहीं पाए विद द हेल्प ऑफ ओनली टू पर्सनल। अब ये कलेक्टिव नाउन में जाके देखिएगा, मैंने लिखवा है टू पुलिसेस, तो पर्सनल जो है ये स्टाफ के लिए, किस कर्मचारी के लिए, सदस्य के लिए आता है। अब इसके साथ ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो सकता है, तो इसके साथ ये टू लिखना ठीक नहीं है। अगर आपने टू लिख ही दिया तो मैंने क्या बता रखा था कलेक्टिव नाउन में कि टू आर्मीज की जगह क्या लिखना चाहिए, टू आर्मी मैन, टू पुलिसेस की जगह पर क्या लिखना चाहिए, टू पुलिसमैन। तो यहाँ पर अगर हमने टू लिख रखा है तो पर्सनल की जगह बेहतर वर्ड क्या है, पर्सन से, कलेक्टिव नाउन में जाकर आप देख ले तो और क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस पॉलीमर नोट्स आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरिंग द कॉस्ट एंड लॉन्गेविटी एसोसिएटेड विद देयर मैन्युफैक्चरिंग, कि आरबीआई ने प्रपोज किया कि भाई पॉलीमर नोट्स को हम इंट्रोड्यूस करें इस बात को ध्यान में रखकर, कंसीडर करने के बाद कॉस्ट एंड लॉन्गेविटी, कीमत और साथ साथ क्या, लॉन्गेविटी मतलब क्या, जो लंबे समय तक उसका ड्यूरेबिलिटी होगा वह चलने का, एसोसिएटेड विद देयर मैन्युफैक्चरिंग, जो उसके मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ी हुई है। तो अब इसमें देखना यह है हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है इसमें, कि कई लोगों को यह पता होता कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो बस इसी बात का गेम चल रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी होता होगा, जरूरी है, हो सकता है, लेकिन नाउन और आईएनजी में भी डिफरेंस होता है, हमें जहां नाउन चाहिए वहां नाउन चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता रखा है कि एग्जाम का नाउन क्या बनना है, एग्जामिनेशन है, डिस्कस का नाउन क्या, अवेलेबल है, तो इनटू कंसिडरेशन विचार, तो विचार चाहिए, विचार करने पर, विचार में लेने पर, तो टेकिंग इनटू कंसीडरिंग के बदले क्या होना चाहिए था, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, क्या होना चाहिए था, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ये होना चाहिए था, कंसीडरेशन होना चाहिए था, ना कि कंसीडरिंग होना चाहिए था। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर अ मेजर कंसर्न फॉर पीपल इन द रीजन, और ई ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखा है, ई ऑप्शन लिखा है ऑल करेक्ट, ऐसा एसएससी में नहीं पूछता है। तो ये जो लास्ट के थ्री क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 35, 36, इससे पहले 35, उसके पहले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बैंक पीओ में आए हुए हैं। तो बैंक में देखिए नाउन से कितने क्वेश्चन आ गए और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा है आपको, बार बार कहता हूं कि आप नाउन के चैप्टर को पूरे अच्छे से अगर समझ लेंगे, सारे क्लासेस को अगर ढंग से डिस्कस करके आप समझ लेंगे, और कोई डाउट है तो अगर आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ लेंगे, तो नाउन का क्वेश्चन आ जाए और आपसे ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हम थ्योरी को ठीक से ना पढ़ें, कंसेप्ट को ठीक से क्लियर ना करें, क्वेश्चन बन जाए, ऐसा नहीं होगा।
जब तक आपको थ्योरी ठीक से समझ में नहीं आएगा, जब तक आप कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होता है। इसमें क्या लिखा, ये ऑप्शन क्या, ऑल करेक्ट। अब देखिए इसमें क्या गलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका मतलब क्या, ऐसे डिजीज जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, तो वो डिजीज जो है मेजर, आप क्या लिख रहे हैं, अब मेजर एक प्रमुख कंसर्न्ड, क्या ना, चिंता। अब चिंता क्या, एक नाउन है कंसर्न, तो ये मेजर कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न चिंता नाउन होना चाहिए, और इसने क्या दिया, कंसर्न्ड लिख दिया, तो होना चाहिए चिंता, और कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है, संबंधित, एडजेक्टिव की तरह ये यूज होता है, कंसर्न्ड पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ, संबंधित व्यक्ति, तो होना चाहिए चिंता है, तो चिंता का इंग्लिश कंसर्न है, और चिंता क्या है, नाउन है, तो नाउन कंसर्न है चिंता, तो अगर हम मीनिंग भी समझ जाएंगे, ये चिंता कहना चाहता है, और चिंता एक नाउन है, चिंता करना वर्ब है, मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि चिंता करना क्या हो जाएगा, कोई काम करना नाउन वर्ब है, और उससे नाउन बन सकता है, बताया था, तो चिंता करना क्या है, वर्ब है, उससे चिंता क्या हो गया, नाउन हो गया, चिंता करना वर्ब, और चिंता नाउन हो गया, परीक्षा देना वर्ब, परीक्षा क्या है, नाउन, इम्तहान देना वर्ब है, और सिर्फ इम्तहान क्या है, नाउन है, तो यहाँ चिंता होना चाहिए था, तो चिंता के लिए क्या है, कंसर्न होना चाहिए था, और इसमें क्या लिख दिया, कंसर्न, तो ईडी हटा देना था, सी में गलती था, ऑल करेक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो बैंक वाले नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच अ बिहेवियर, बिहेवियर क्या हुआ, फिर नाउन हो गया, तो इसके पहले क्या लिख रखा है हमने, ए लिख रखा है, तो ठीक है, कैन इजिली कॉज ऑफेंस, किससे अपराध हो सकता है, ऐसे बिहेवियर से आसानी से अपराध हो सकता है, अपराध भी क्या, ऑफेंस क्या, अपराध, अपराध भी एक नाउन है, तो यहाँ बिहेवियर व्यवहार के पहले आपने ए लगाया तो ठीक है, और यहाँ भी तो ऑफेंस है जो एक नाउन है, तो कॉमन नाउन में मैंने क्या बताया था कि कोई भी कॉमन नाउन है तो उसके साथ या तो अगर वो एक है तो ए लगेगा, और एक से अधिक है तो एस और एस लगेगा, तो आपको या तो एन ऑफेंस लिखना चाहिए था, कॉज एन, क्योंकि ऑफेंस से आर्टिकल लगेगा, एन का ध्यान रखना, पर ओ से स्टार्ट हो रहा है, कॉज एन ऑफेंस, या फिर ऑफेंसेस, या तो हम उसको सिंगुलर रखेंगे, अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है, अपराध क्या है, काउंटेबल नाउन है, ऑफेंस क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो कोई भी काउंटेबल नाउन है तो या तो वो एक होगा, बता रखा था नाउन में, कॉमन नाउन में, या फिर एक से अधिक होगा, तो कॉमन नाउन या तो एक होता है या एक से अधिक होता है, एक होगा तो ए एन लगाना पड़ेगा, और एक से अधिक होगा तो क्या करना पड़ेगा, एस और एस लगाना पड़ेगा, तो ये कॉमन नाउन है, और इसमें ना तो ए लगा है, ना एन लगा है, ना एस और एस लगा था, तो दो तरह से करेक्ट कर सकते थे, या तो इसके पहले एन लगा देते, या फिर क्या करते, ऑफेंसेस कर लेते, तो मैंने बताया था कॉमन नाउन में कि कोई भी कॉमन नाउन हो और उसके साथ ना तो आर्टिकल लगा हो और ना उसमें एस और एस लगा हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ग्रामर को बहुत प्रॉब्लम है, ग्रामर अलाउ ही नहीं करता, आप कहीं सिर्फ स्टूडेंट लिख देंगे तो वो बिल्कुल गलत है, स्टूडेंट है तो या तो ए स्टूडेंट होना चाहिए, या स्टूडेंट्स होना चाहिए, या द स्टूडेंट होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कॉमन नाउन हो और उसके पहले या तो आर्टिकल हो या ना बाद में एस और एस, ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉमन नाउन के साथ या तो आर्टिकल होना चाहिए और अगर वो एक से अधिक है तो एस और एस होना चाहिए, तो सीधा साधा बिल्कुल बेयर ओपन कॉमन नाउन जिसमें ना तो आर्टिकल लगा है ना ही एस और एस है तो वो गलत ही होता है, कॉमन नाउन में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो डिटेल, कई चीज़ें मैंने बता रखी है कॉमन नाउन में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में या प्रॉपर नाउन में, उसको आप ठीक से पढ़ेंगे, बार बार वीडियोस को देखेंगे तो फिर गलती होगी नहीं कि एक बार देख लिया, बार बार वीडियोस को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, ठीक से नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा और यू बनेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस कर भी रहा हूँ, और कोई मैं हल्के हल्के क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहा हूँ, एग्जाम के जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट से बाय करके खरीदेंगे तो आपको सारे एक क्वेश्चन अलग अलग सेट में मिलेंगे, और उसमें से जो नाउन का क्वेश्चन है उसको मैं सिर्फ नाउन के क्वेश्चन चूज कर कर आपकर आपके लिए लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल रिसोर्ट, रिसोर्ट वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्ट वर्ड वन वर्ड ऑप्शन में आ चुका है, रिसोर्ट का मतलब होता है अंतिम सहारा या आश्रय स्थल, या कभी कभी हम उसको लिखते हैं सहारा लेना भी लिखते हैं, तो पीपल रिसॉर्ट टू, यहाँ सहारा लेना कि पीपल जो है रिसॉर्ट करते हैं यानी सहारा ले लेते हैं किसका, टू मैल प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिस वर्ड भी वन वर्ड सबसे में पूछा है, इसका मतलब क्या होता है भ्रष्टाचार, मैल हो गया तो बुरा हो गया, प्रैक्टिस मतलब आचार व्यवहार, तो भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरण, बिकॉज क्यों करते, बिकॉज दे डू नॉट हैव फेथफुल, अब फेथफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कहते हैं वफादार, तो फेथफुल एडजेक्टिव है, हम कहते हैं हम कहना चाहते हैं उन्हें अपने एबिलिटीज में यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता, यकीन या विश्वास क्या है, यकीन करना वर्ब है, विश्वास करना वर्ब है, लेकिन यकीन और विश्वास क्या है, नाउन है ना, यकीन भरोसा या विश्वास नाउन है, यकीन करना भरोसा करना
विश्वास करना ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए कि उन्हें अपने एबिलिटी में यकीन नहीं होता, यकीन करना नहीं होता ऐसा तो नहीं है, भरोसा करना नहीं होता ये तो नहीं है। क्या होगा कि अधिकांश लोग भ्रष्टाचार का सहारा ले लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एबिलिटीज में, अपने गुण में, अपनी योग्यता में यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता, या अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं होता। तो योग्यता कहना चाहते हैं, भरोसा कहना चाहते हैं, सिर्फ भरोसा यकीन। तो भरोसा और का इंग्लिश क्या होगा, फेथ। क्या होना चाहिए था, फेथ। तो यहाँ जरूरत है नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जरूरत है, फेथ भरोसा, और फेथफुल क्या हो गया, भरोसा करने लायक, एडजेक्टिव हो गया। तो हमें यहाँ नाउन चाहिए था, फेथ यकीन भरोसा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए समझ में आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे वर्ब से, कैसे नाउन से और कैसे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था। मैंने बताया था ना कि वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, और कुछ दूसरे नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पहले सारे नाउन की क्लास देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट, द टॉक्स एंडेड अब्रप्टली। अब्रप्टली पूछा हुआ, अचानक, सडनली, एंडेड मतलब खत्म हो गया। व्हेन वन ऑफ द डेलीगेट, डेलीगेट वर्ड भी पूछा हुआ, डेलीगेट मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि, वन वर्ड सब्शन में आया हुआ है, स्पेलिंग करेक्शन में भी आया हुआ है। तो वन ऑफ जैसे लिखा, इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन काफी डिस्कस होता है, तो वन ऑफ हमने जैसे लिखा, तो फिर इस नाउन को क्या होना चाहिए, डेलीगेट क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के विषय में बार बार मैं क्या कहता हूं कि अगर एक है तो ए और एन लगता है, और एक से अधिक है कॉमन नाउन काउंटेबल, जितने भी कॉमन नाउन है सारे काउंटेबल होते हैं। तो एक कॉमन नाउन अगर एक है तो ए एन लगेगा, और एक से अधिक है तो क्या लगेगा, एस। ये तो क्वेश्चन बार बार आता है, देखते ही समझे वन ऑफ है तो पहले चेक कर लीजिए कि नाउन प्लूरल है कि नहीं। अगर प्लूरल नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, वन ऑफ आ गया तो नाउन आपको प्लूरल चाहिए चाहिए, तो क्या लिख देना चाहिए, डेलीगेट्स। क्या हो जाना चाहिए, डेलीगेट्स। क्वेश्चन बी में इसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है कि माई ग्रैंड फादर वॉज एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट वर्ड पूछा गया है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में। एप्रिशिएट का मतलब क्या था, तारीफ करना। तो मेरे ग्रैंड फादर की तारीफ की जाती थी पैसिव वॉइस में, बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के द्वारा, फॉर हिज ऑनेस्टनेस। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन आ गया, ऑनेस्टनेस वर्ड ही नहीं है, क्या होता है, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से क्या होता है, ऑनेस्टी। तो अपनी ईमानदारी के लिए, तो ईमानदारी के लिए क्या होता है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार, और ईमानदारी का हो गया ऑनेस्टी। जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी से बताने के एडजेक्टिव से बताया, तो क्या बताया था कि जैसे हम कहते हैं हाई, तो हाई से क्या बनता है, हाइट। लॉन्ग से क्या बनता है, लेंथ। तो ऑनेस्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, ऑनेस्टी। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, अपनी ईमानदारी के लिए। लोग उनकी तारीफ क्यों करते हैं, उनकी ईमानदारी के लिए। तो ईमानदारी की इंग्लिश क्या हो गई, ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए था इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी चाहिए था। ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऑनेस्टी। नेक्स्ट है कि नन ऑफ द स्टूडेंट। जैसे नन ऑफ कह रहे हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट तो एक से अधिक होगा, तभी तो हम नन ऑफ कह रहे हैं, मतलब उसमें से कोई नहीं। अब एक ही होता तो उसमें से कोई तो कहते नहीं, इसका मतलब एक स्टूडेंट क्या है, एक से अधिक है। तो नन ऑफ का जैसे इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब स्टूडेंट को क्या होना चाहिए था, एक से अधिक। तो इसमें क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट में एस लगना चाहिए, नन ऑफ। देखिए कितनी एक ही जैसा क्वेश्चन घुमा घुमा कर, एक ही कंसेप्ट का टेस्ट ले रहा है कि वो देखना चाहता है कि आप समझ पा रहे कि नहीं। तो कॉमन नाउन से बहुत क्वेश्चन बनता है, हर एक नाउन से क्वेश्चन बनता है, लेकिन कॉमन नाउन का क्वेश्चन जो होता है वो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि countable noun अगर है तो उसके साथ ए लगना जरूरी है, या उसके साथ एस और एस लगना जरूरी है। तो कोई भी कॉमन नाउन जो है, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, वो ऐसे इस्तेमाल की, जहां प्लूरल होना चाहिए जहां एस और एस होना चाहिए वो नहीं लगाता है, जहां नहीं होना चाहिए वो लगा देता है। यहां पर क्या मांग रहा है, इसमें दा तो लगा दिया था, लेकिन बात क्या है कि एक से अधिक भी तो होना चाहिए था, तो क्या है, इसमें स्टूडेंट्स होना चाहिए था। तो इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स, आगे तो कुछ बात ही नहीं, गलती यही है कि नन ऑफ जैसे लिख रखा था तो नाउन को क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर कैरीड अ रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश, कि न्यूज़पेपर जो था उसमें प्लेन क्रैश का रिपोर्ट था। तो रिपोर्ट देखिए नॉर्मल नाउन है, उसके पहले ए लगा दिया, लेकिन न्यूज़पेपर भी तो एक काउंटेबल नाउन है। तो न्यूज़पेपर अगर काउंटेबल नाउन है, और ये बार बार ये डिस्कस हो रहा था, इसको गिन सकते हैं, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर कह सकते हैं, चाहे आर्यावर्त हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे द पायनियर हो, चाहे द टेलीग्राफ हो, किसी भी न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर कहते हैं। न्यूज़पेपर क्या है, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के हो या बिना एस और एस के हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, पहले वर्ड में गलती है। तो या तो ए न्यूज़पेपर होना चाहिए था, या द न्यूज़पेपर होना चाहिए था, या न्यूज़पेपर्स होना चाहिए था, कुछ भी होता। तो इसमें गलती क्या हो गया, इसी पार्ट में गलती है, करेक्शन में हो सकता था कि अगर किसी खास न्यूज़पेपर की बात करें जो हमारे सामने न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में तो, इस न्यूज़पेपर में तो रिपोर्ट है ही नहीं प्लेन क्रैश का, तो हम क्या कहते हैं, द न्यूज़पेपर।
आइए हम कहते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में जो है इस तरह की रिपोर्ट नहीं है, तो न्यूज़पेपर्स भी कर सकते थे। तो लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है कि इसको कह दें द न्यूज़पेपर, कि हमारे सामने जो न्यूज़पेपर है उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इस न्यूज़पेपर में तो ये रिपोर्ट प्लेन क्रैश का रिपोर्ट नहीं है। तो हमारे सामने न्यूज़पेपर है, कह रहे कहाँ है न्यूज़पेपर में प्लेन क्रैश का रिपोर्ट, तो द न्यूज़पेपर हो सकता था। या यूं भी हमें समझ कर रखना कि न्यूज़पेपर तो काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है तो या तो आर्टिकल होना चाहिए था, यस और यस होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है तो ये गलत है। हमें करेक्ट करने के लिए तो कह नहीं रहा, हमें तो गलती ढूंढने के लिए कह रहा है, तो हमने ये में गलती कर दी। करेक्शन को ध्यान रख दिया था, द न्यूज़पेपर हो सकता था या न्यूज़पेपर्स हो सकता था, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। रिटन एग्जाम में आता तो द न्यूज़पेपर भी कर देते, ऑब्लिक न्यूज़पेपर्स कर देते, क्लियर है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि नाउन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं अगर हमें समझ में आ जाए तो। तो अगर आप चाहते कि एग्जाम को अच्छे से करें, बेहतर से करें, तो आप हमारे सारे क्लास को प्रिपेयर्ड वे में देखें, प्रॉपर वे में देखें, सीरीज में देखें, उसका नोट्स बनाएं। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें व्हाट्सअप करें, वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक आपके फ्रेंड तक जो फ्री में एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं, काम की बातें हैं, वो उनसे पहुँच सके, वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करके आगे से आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।